सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर हमारा यूजर नेम पासवर्ड मैंने डाला है, एक प्रॉब्लम आ रहा है जिसको सिक्योरिटी कोड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताऊंगा कैसे होगा। यहाँ पर पहले मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ, तो लॉगिन हमारा अकाउंट हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सेस हमारा कुछ यहाँ पर डिवाइस में बता रहा है कि एक्सेस है। तो यहाँ पर हमारा पता नहीं कौन सा फ़ोन है। तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पर बता रहा है ऐसा। तो यहाँ पर मैं इसको प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा है ट्राई अगेन वाई, तो यहाँ पर अनदर वाई पे क्लिक कर देना होगा। देख सकते हैं नीचे आपको लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर सेंड टेस्ट मैसेज, बैकअप कोड वगैरह वगैरह सपोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर इतना प्रॉब्लम आ रहा है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देना होगा टेस्ट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर जो हमारा सेंड टेस्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इंटर लॉगिन कोड वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा इसमें पता नहीं क्यों मैसेज नहीं आता। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि मैसेज ही नहीं आता। तो यहाँ पर ऐसा मेरा प्रॉब्लम है कि इसके कोड आता ही नहीं, हमारे नंबर से लिंक है बट हमारे नंबर पर कोड नहीं आता। तो इसका सोल्यूशन बताऊँगा कि क्या होगा। तो सोल्यूशन करने के लिए आगे बढ़ने के लिए दोस्तों देख सकते हैं, अगर हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, इसको कि आपको कोड कैसे लाना होगा। तो मैं हटाने के बाद आपको सेटिंग पे जाना होगा दोस्तों। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर ऐप वाले ऑप्शन पे जाना होगा जो कि हमारा ऐप्स ऑप्शन है। तो ऐप्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मैसेज वाला मतलब सर्च कर लेना होगा मैसेज। तो हमने मैसेज ऐप सर्च कर लिया। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा बैटरी स्टोरेज, तो स्टोरेज के मतलब स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपको कैश क्लियर कर देना होगा डायरेक्ट। फिर कैश क्लियर एंड डाटा क्लियर जो होता है सारा आपको करके डिलीट कर देना होगा। यहाँ पर आपके टोटल प्रोसेस होने के बाद आपको हटा देना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ऑल टोटल डिलीट हो गया है। तो डिलीट होने के बाद फिर आपको इसको हटा देना होगा। हटाने के बाद आपको इंस्टाग्राम देखना होगा, फिर से लॉगिन करना होगा। इंस्टाग्राम लॉगिन होने के बाद फिर आपको वैसे सिस्टम होगा। सिस्टम होने के बाद फिर आपको डायरेक्ट टेस्ट मैसेज पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कुछ डिसमिस बताएगा, तो यहाँ पर मेरा कोड आ गया है। फिलहाल मैं अपना कोड फिल कर देता हूँ, तो आपको फिर कोड ऐसे आ जाएगा, फिल कर देता हूँ फिर कन्फर्म कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी अकाउंट ओपन हो गया है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर लाइव प्रूफ है, हमारा अकाउंट ओपन हो गया है। सो दोस्तों आप भी ऐसा ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद फिर आपको जो आपका सिक्योरिटी कोड था उसको हटाने के लिए इस पर थ्री लाइन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाना होगा दोस्तों। सेटिंग पे जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी का ऑप्शन है, तो सिक्योरिटी पे जाना था। सिक्योरिटी जाने के बाद टू फैक्टर ऑथोराइजेशन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ऑन है टेस्ट मैसेज, इसको आप तो टेस्ट मैसेज को ऑफ कर देना होगा दोस्तों। यहाँ पर मैं ऑफ कर दिया, तो टर्न ऑफ कर देना होगा दोस्तों आपको। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑफ कर दिया, लोडिंग हो रहा है। और लोडिंग होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपका क्या होगा प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा ऑफ हो गया, मैं इसको बैक करता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ऑल टोटल सब अब सेफ हो गया है, मेरी आईडी मतलब हट चुकी है एंड डन हो गया। तो आप भी ऐसे हटा सकते हैं दोस्तों, सारा प्रोसेस ऐसा है और सिंपल है दोस्तों, ऐसा कर सकते हैं। और जिसकी आईडी में ऐसा लगा हो वो भी हटा सकते हैं, और जिसका नहीं हटता मुझे मैसेज करिए दोस्तों इंस्टाग्राम पे, मैं कर सकता हूँ। देख सकते हैं हमारा हट गया है, यहाँ पर जीमेल पे मैसेज भी आ गया है। सो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी नई वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय टाटा।